जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, मैं हूं राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से, और फिर से आपके लिए अपडेट लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। दूसरे टेस्ट की तैयारी मेलबर्न में शुरू हो चुकी है। टीम इंडिया कल मेलबर्न पहुंच गई थी, कल काफ़ी बारिश हुई मेलबर्न में, बट टीम इंडिया कल मेलबर्न पहुंच गई और आज सुबह टीम इंडिया ने प्रैक्टिस भी की MCG में, ग्राउंड में और नेट्स के ऊपर, उसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। तो कल टीम इंडिया मेलबर्न पहुंची और पिछले 12 साल से वो जिस होटल में रह रहे थे, लैंगम होटल, उसमें टीम इंडिया को नहीं रखा गया इस बार। इस बार टीम इंडिया को पार्क का हायत होटल में रखा गया, जो कि पहली बार टीम इंडिया वहां स्टे कर रही है और वहां पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, विजिटर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि आपको अपडेट किया था कि विक्टोरिया में मेलबर्न में सेकेंड वेव आई थी तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले, तो उसके चलते हुए प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। विक्टोरियन गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए कोविड से रिलेटेड, और प्लेयर्स को बबल में रखा जाए। तो जो बबल न्यू साउथ वेल्स सिडनी में काफ़ी ओपन नज़र आ रहा था, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में टाइट हुआ और अब विक्टोरिया में वो और भी ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऐसी सिचुएशन में अगर इस बबल के अंदर से किसी भी प्लेयर को कोई भी इन्फेक्शन या कोई इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से पूरी सीरीज पर इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की आज ट्रेनिंग सेशन की। टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन आज काफ़ी इंटेंस था मेलबर्न में MCG में। सभी बैट्समैन, सभी प्लेयर्स ने हिस्सा लिया इसमें। सभी बैट्समैन ने बैटिंग की और देखा गया कि बैट्समैन ने दो बार बैटिंग की नेट्स में आके, सभी मेन बॉलर्स ने भी बॉलिंग की। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन था वो थोड़े गैप के बाद हुआ था, जैसा कि आपको बताया पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया ने प्रैक्टिस नहीं की थी आयरलैंड में, तो ये पहला प्रैक्टिस सेशन था। तो सभी प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया और सभी प्लेयर लय में नज़र आए, जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी इंटेंस सेशन था। अच्छी खबर ये है कि रविंद्र जडेजा बिल्कुल फिट नज़र आए, उन्होंने काफ़ी देर तक बॉलिंग और बैटिंग दोनों की नेट्स में। ऋषभ पंत भी काफ़ी देर तक बैटिंग करते हुए नज़र आए, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो अपनी ही रिदम में बाहर निकलकर शॉट्स मारते हुए भी नज़र आए। साहा ने बैटिंग की पर इतनी नहीं की जितनी ऋषभ पंत ने की, तो उम्मीद लगा रहे हैं कि ऋषभ पंत खेलेंगे अगले मैच में। जिस तरह से जडेजा ने टाइम स्पेंड किया नेट्स में, उससे भी लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट सर्टन है नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलने के। कल फिर से टीम इंडिया का अभ्यास सेशन है, कल दोपहर लेट दोपहर शाम के टाइम पर टीम इंडिया अभ्यास करेगी, तो कल भी आपको फुटेज देंगे और अपडेट्स देंगे, और कल तकरीबन तय हो जाएगा देख करके कौन सा प्लेयर ज़्यादा प्रैक्टिस और किस तरह का अभ्यास कर रहा है, और उससे कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव होंगे, 3 बदलाव होंगे या 5 बदलाव होंगे, जैसा कि आपसे पहले डिस्कस किया था। अब बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स सिडनी में जो क्लस्टर कोविड का हो गया था, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं बचे हुए 3 टेस्ट मैच के ऊपर। सो मेलबर्न टेस्ट मैच पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उस क्लस्टर का, जो इम्पैक्ट हो सकता है वो है सिडनी टेस्ट मैच और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में। जी हाँ, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच पे भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिलहाल पिछले 2 दिनों से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो स्टेबल हो गए हैं, तकरीबन 7 से 8 केस आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो वो जो कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी वो रुक गई है, अब स्टेबल हो गई है कर्व, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगले 2 वीक्स में 0 केसेस हो जाएंगे सिडनी न्यू साउथ वेल्स में। बट अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है और स्पाइक कभी भी बढ़ सकती है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास फिलहाल 3 ऑप्शंस हैं। उनकी पहली ऑप्शन ये है कि इस मैच को सिडनी से हटाकर मेलबर्न में ही करा दिया जाए, तो मेलबर्न में 2 टेस्ट मैच हों और उसके बाद लास्ट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में हो। उनकी सेकेंड ऑप्शन है कि इस टेस्ट मैच को, तीसरे टेस्ट मैच को सिडनी में ही कराया जाए और उसके बाद चौथे टेस्ट मैच को भी सिडनी में करवाया जाए, क्योंकि फिलहाल ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ने अपना बॉर्डर क्लोज किया हुआ है न्यू साउथ वेल्स से। तो अगर तीसरा मैच सिडनी में होता है तो उसके बाद प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स कोई भी ब्रिस्बेन नहीं जा पाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर चौथा टेस्ट मैच भी सिडनी में करवाया जा सकता है, ये दूसरी ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि कुछ भी चेंज ना किया जाए और एज इट इज सिडनी में मैच करवाया जाए और उसके बाद ब्रिस्बेन में टीम को ले जाया जाए। ये जो तीसरी ऑप्शन है ये बेस्ट केस सिनारियो है, उसके लिए क्वींसलैंड गवर्नमेंट, जिसकी कैप क्वींसलैंड, जहाँ की कैपिटल ब्रिस्बेन है, उन्हें अपना
स्टेट बॉर्डर खोलना पड़ेगा न्यू साउथ वेल्स के साथ, तो वो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है कि 15 जनवरी तक, तकरीबन उससे पहले ही 12-13 जनवरी तक क्वींसलैंड गवर्नमेंट अपना बॉर्डर खोल दे और प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स को ब्रिस्बेन जाने दे। तो जैसा कि आपको बताया कि सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है अभी फिलहाल न्यू साउथ वेल्स में, तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले एक या दो दिन में दूसरा टेस्ट मैच खत्म होने से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अनाउंसमेंट कर देगा कि वो क्या ऑप्शन ले रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच और चौथे टेस्ट मैच को लेके। तो ये थी अपडेट ऑस्ट्रेलिया से, मैं राजुल शर्मा आपके लिए डेली अपडेट्स लेके आता रहूँगा।